जी को भोग लगाने वाले बासन को साफ कर उसमें यथा यज्ञ भोग जल रखकर उसे रुमाल से ढके और उसे श्री राज जी के सन्मुख पीढ़ा पर रखकर यह भोग बोले। तीजी भूमकी जो पड़साल ठोरे बड़े दरवाजे विशाल धनी आवत है उठी प्रात बन सिंचत अमृत अगाध पशु पक्षी के मुजरा लेवे सुख नजर सबों को देवे पीछे बैठ करे सिंगार सखिया करावे मनुहार श्री श्यामा जी मंदिर और रंग आसमानी है वाठोर चार चार सखियां सिंगार करावे श्यामा जी धनी जी के पास आवे शोभा क्यों कर कहूँ या मुख चित में लिए होत है सुख चित दे दे समारथ से थी हित कर कर बेनी गुथी मीनो मीने सिंगार करावे एक दूजी को भूषण पहरावे साथ सिंगार करके आवे जैसा धनी जी के मन भावे सैया लटकतिया कर चाल ज्यों धनी मन हो तरसाल सैया आवत बोले बाणी संग एक दूजी पे श्यानी सैया आवत करे झनकार पाओ भूषण भूमठ मकार झल कतिया रे मलपतिया रंग रस में चैन करतिया कंठ कंठ में बाहु धरतिया चित एक दूजी कुहरतिया सुंदरिया रे शोभतिया एक दूजी को हास हसतिया कई फलंग दे उछलतिया कई फूल लताज फिरतिया कई हलके हलके हालतिया कई मालतिया मचकतिया कई आवत है ठेलतिया जुथ जलल है रलवतिया कई आवे भमारी फिरतिया सखी एक दूजी पे गिरतिया सिद्धिया ने सलकतिया कई विध आवे जो चलतिया
सखी एक दूजी के आगे आए आए के चरणों मिलागे। इत बड़ा मिलावा होई जुदी रहे नया समय कोई कोई छजन कोई जालियों कोई मोहलन कोई मालियों। इत चार घड़ी लो राज बैठे मेवा मिठाई आरोग के उठे। इत चार घड़ी लो पूर्ण ब्रह्म बैठे मेवा मिठाई आरोग के उठे मेवा मिठाई आरोग के उठे मेवा मिठाई आरोग के उठे।